जिस तरीके से कोविड की वैक्सीन लगातार लग रही हैं और अभी हाल ही में है कि 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन होगी, तो इसी सिलसिले में हमारे साथ में बात करने के लिए परिवार कल्याण विभाग के अपर निदेशक जी के मिश्रा जी हैं। सर, जिस तरीके से 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन होनी है, तो क्या प्रोसीजर होगा, कैसे वो पंजीकरण करा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि मेरी कल हम लोगों की जूम मीटिंग हुई है सारे स्टेट्स की। उस जूम मीटिंग में तय किया गया है कि अभी जो कोविन पार्ट वन था, 1.0 कह सकते हैं, वो कन्वर्ट होने जा रहा है, अपग्रेड होकर के कोविन 2.0 होने जा रहा है। वो 1 मार्च से प्रभावी होने की गुंजाइश है। आज 2 दिन जो है हमारा ये पुराना पोर्टल बंद रहेगा। उस पोर्टल पे इस तरह की व्यवस्था रहेगी कि लोग अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की स्थिति में रहेंगे, और कुछ इस तरह की व्यवस्था भी रहेगी कि जो है वॉक इन ऑन साइट जो है रजिस्ट्रेशन भी जो है व्यक्ति करा पाएगा। बस जरूरत इसको होगी, उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी एज का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि जो हमारी क्रॉनिक एलनेसेस को लेकर के है कि है जिनको कि गंभीर प्रकृति की बीमारियाँ लंबे समय से चली आ रही हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम है, गुर्दे की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, कैंसर है आदि, तमाम लीवर की प्रॉब्लम है, इस तरह की जो भी बीमारियाँ हैं उनको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का मान्य होगा। और एज के लिए जो है जो हमारे हैं आधार कार्ड ही मेन आधार जो होगा वो मेन होगा, लेकिन उसके अतिरिक्त भी अगर फोटो युक्त अगर किसी के पास प्रमाण पत्र है तो वो भी मान्य होगा। और इसके लिए कट ऑफ, क्योंकि इसमें दिक्कत हो सकती है कि लोग कहेंगे नहीं हम कल 60 साल के होंगे, 4 दिन बाद होंगे, तो उसकी कट ऑफ डेट जो है 1 जनवरी 2022 रखी गई है। सर, क्या किसी तरीके का कोई ऐप भी आया हुआ है, मोबाइल ऐप, क्योंकि एक भ्रांतियाँ हैं शहर में कि किसी ऐप को इंस्टॉल करके उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? ये जब 2.0 आ जाएगा तो वो कोविन ऐप 2.0 कहलाएगा, तो वो इंस्टॉल करने की नौबत रहेगी, और साथ में ऑलरेडी हमारे पास आरोग्य सेतु है, दोनों के माध्यम से हम अपना रजिस्टर करा सकते हैं। तो सर, ये कैसे पता चलेगा कि पंजीकरण हमारा हो गया है? और ये तो अपने आप उसका अगर चाहेगा तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको इवन जो है प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और आपको प्रिंट भी मिल जाएगा उससे, और मैसेज भी आपके पास आएगा, तो उसके संज्ञान में रहेगा कि वो रजिस्टर हो चुका है। जैसे कि सर, कुछ लोग अशिक्षित होते हैं जिनको नेट से ज़्यादा रोकार नहीं होता है, वो नहीं कर सकते हैं सब इस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई? उनके लिए जो है वॉक इन ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, तो उनको कहाँ पर आना होगा रजिस्ट्रेशन? ऐसा है कि अभी जो है हम लोग गूगल मैपिंग करके जो साइट्स हैं वो साइट्स जो है भी नज़र आने लगेगी ऐप पे, और उन साइट पे जो ऐप हैं साइट्स पे भी अभी साथ में हम लोगों की तरफ से IEC एक्टिविटी प्रचार प्रसार हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स और डिफरेंट माध्यम से इवन जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया दोनों के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार भी करेंगे इस बात का कि कहाँ कहाँ हमारे सेशन लग रहे हैं, तो उसके माध्यम से लोगों को पता रहेगा और लोग वॉक इन ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी करा करके अपना वैक्सीनेशन करा सकेंगे। फिर कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जिनकी एज है, जो चल नहीं सकते हैं, घर से निकल नहीं सकते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया चलिए, लेकिन उनको क्या घर पर जा करके वैक्सीनेशन होगा? नहीं, वैक्सीनेशन का एक नियम है, वैक्सीनेशन कहीं भी किसी भी प्रकार का जो वैक्सीनेशन होता है वो एक जगह फिक्सेशन साइट पर ही होता है, मूव करके हम जगह जगह वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। हाँ, ये होगा कि उनके लिए नियर बाई जो बिल्कुल होगा वहाँ नियर बाई जगह पे साइट वो चुन सकते हैं जो बिल्कुल उनके पास में हो, जहाँ पे वो किसी तरह से पहुँचने की स्थिति में हो। ये व्यवस्था कब से शुरू हो रहा है, कब से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो रही है? ऐसा है कि अभी स्पष्ट गाइडलाइन आनी शेष है, क्योंकि कल हम लोगों को हुआ था, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि 1 से 4 मार्च के बीच में जो है पोर्टल ये पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा, उसी के बाद हमें जो हम स्टार्ट करेंगे तो वो एक सॉफ्ट सा स्टार्ट होगा, मतलब इसकी छोटे स्तर से स्टार्ट करके हम बड़े स्तर तक जाएंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है, एक दिन में ख़त्म नहीं होगी, लंबी प्रक्रिया है, तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके फिर हम पेस में आ जाएंगे कि हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, इस तरह से हम लोगों का प्लान है। थैंक यू। तो जिस तरीके से कोविड की जो वैक्सीनेशन होनी है 45 साल के ऊपर की एज की, तो किस तरीके से पंजीकरण आप करा सकते हैं, उसके बारे में तमाम जानकारी दी। हमारे साथ में जी के मिश्रा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम तरीके की जानकारी दी कि किस तरीके से वैक्सीनेशन के लिए आप पंजीकरण करा सकते हैं। कैमरा पर्सन वीरेन सिंह के साथ अभिल गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर।